अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं, जग खूं मैं थारे जैसा ना कोई जग। हो गया ब्रेकअप है? हाँ यार। उसने किया या तूने किया? मैंने करा। अबे धोखेबाज थी यार वो, बहुत बड़ी वाली क्यों? धोखेबाज। धोखेबाज क्यों? अबे कॉलेज के लड़के बता रहे थे यार, उसने परसों किसी लड़के को किस किया था। और उसने कहा और तूने यकीन कर लिया? हाँ यार, लड़के बोल रहे थे। नहीं, प्रूफ क्या है? अब पक्की बात है यार, धोखेबाज थी वो। अबे मैं तेरे को बात बताना भूल गया, तेरी बहन के साथ दो लड़कों का फिजिकली रिलेशनशिप चल रहा है। अबे क्या बोल रहे कुत्ते? नहीं, मेरे को जो पता लगा वो तेरे को मैं बताया। किसने कहा तुझे? कॉलेज के लड़के बता रहे थे। और तूने मान लिया? तो तूने कैसे मान लिया? शक्ल तो देख अपनी, कैसे खुद की बहन की बात सुनकर चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। पता है तेरे को लड़कियों के बारे में ऐसी बातें कौन फैलाता है? या तो कोई उसे बहुत जल्द होता है, या फिर कोई उसे हासिल नहीं कर पाता है। यही तो हम लोगों की प्रॉब्लम है यार। अगर मार्केट में चार लड़कों के बीच कोई एक लड़की खड़ी दिख जाए तो बिना सोचे समझे बोल देते हैं वो धोखेबाज है। और अगर उसी जगह पे चार लड़की और एक लड़का खड़ा दिख जाए तो बोल देते हैं वाह भाई क्या डूड है। लड़की करे तो धोखेबाज और लड़का करे तो डूड, वाह। मैंने अक्सर लड़कों को ब्रेकअप के बाद ऐसी बातें फैलाते देखा है, और बस अब तुम भी वही कर रहे हो। किसी ने उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला और तूने उस बात को विश्वास कर लिया और बिना सोचे समझे बोल दिया कि वो धोखेबाज है। और तुम कौन होता है उसको धोखेबाज बोलने वाला? जब तू रिलेशनशिप में था तब तुम भी तो दूसरी लड़कियों से बात करता था, मिलने जाता था। मेरे सामने तुमने उससे कितनी बार झूठ बोला है और तुम उसे धोखेबाज बोल रहे हैं। छोटे कपड़े पहने तो धोखेबाज, रात को पार्टी करे तो धोखेबाज, लड़कों के साथ घूमने जाए तो धोखेबाज, धोखेबाज धोखेबाज धोखेबाज। भाई ये जो वर्ल्ड है ना धोखेबाज, इसकी मीनिंग कुछ अलग है, हमारी सोच से बहुत परे है। किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले खुद की जुबान में झांक लेना चाहिए। मैंने तो लड़कियों तक को एक दूसरे की बातें फैलाते देखा यार। और भी लाइफ में काम है यार, क्यों किसी की जिंदगी को इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हो? उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? उसके बारे में क्यों बुरा बोल रहे हो? पहले खुद की थाली में झांक लो यार। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीके भाई। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, और किसी भले आदमी ने कहा है इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त पीके भाई और आपने देखा है पीके भाई म्यूजिक। थैंक यू।